गुड मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो में मैं क्लास 7 को एसएसटी का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करूंगी, तो आप अच्छे समझिएगा। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, चलिए सबसे पहले आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो हमारे चारों तरफ हमें जो घेरे हुए है। एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, हमारा पर्यावरण जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है वो पर्यावरण एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट यानी नेचर, नेचुरल यानी प्राकृतिक, प्रकृति ने जो दिया हुआ है, प्रकृति ने जो हमारे चारों तरफ पर्यावरण क्रिएट किया है, हम उसको नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसके अंदर बच्चों प्रकृति द्वारा दी हुई कई सारी चीजें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर पानी है चारों तरफ, पेड़ पौधे हैं, ये सब इसमें आ सकते हैं। अब नेचुरल एनवायरनमेंट दो तरीके का होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग्स आते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा बनाई हुई ऐसी चीजें जो ब्रेथ करती हैं, सांस लेती हैं, वो लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। जैसे देखिए इसमें हम इंसान हुए, जानवर हुए, ये सब पेड़ पौधे हुए, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी प्रकृति द्वारा बनाई हुई निर्जीव चीजें जो सांस नहीं ले सकती, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें हो सकती हैं, पानी हो सकता है, जमीन हो सकती है, जो प्रकृति ने हमको दी है। तो इस तरीके की ये अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स को, अबायोटिक कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिया नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे पानी आ सकता है, जमीन आ सकती है, और गैस वगैरह बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो हम इसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर यानी लिथो का मतलब होता है रॉक, स्टोन। यानी अब हम जिस पर खड़े हैं ये मिट्टी, तो जितनी भी बच्चों जमीन है, चाहे वो चट्टान के रूप में हो, चाहे कैसे भी हो, तो वो सब लिथोस्फीयर में आती है। लिथोस्फीयर वाली जो लेयर है वो पूरी पृथ्वी पर एक जैसी नहीं है। देखिए आपने देखा होगा अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये जमीन समतल है, हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, प्लेन्स होते हैं उनमें रहते हैं, लेकिन कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं गहरी गहरी खाइयां हैं, तो लिथोस्फीयर में हर तरह की जमीन आती है, ये एक जैसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में मतलब जितना भी पानी वाला एरिया होता है, हमारी धरती पर 71% पानी है, यानी हमारी धरती को अगर हम 100% मान ले तो उस पर 71% जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है। यही इस तरीके से अगर ये 100% है तो इसका 71 यानी ये पूरा एरिया हमारा पानी से घिरा हुआ है, ये वाटर है, और बाकी का हमारा जमीन है। इसमें उस आइलैंड्स हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं, ये सब है इसमें। तो ये वाला जो एरिया है बच्चों, अगर इसको भी 100% मान लिया जाए तो इसका 97% पानी जो है, 97% पानी वो समुद्र में भरा हुआ है, वो खारी पानी, सॉल्टी वाटर है, तो वो किसी काम का नहीं है। और बाकी का जो 3% पानी है बच्चों, वो फ्रेश वाटर है, वो नदियों में हो सकता है, झरनों में हो सकता है, झीलों में हो सकता है, ग्लेशियर वाटर भी इसमें। ग्लेशियर आप जानते हैं कि नदियां जो जमी हुई फॉर्म में होती हैं, जो पहाड़ी इलाकों में होती है, तो उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो वो सब पानी जो है वो सिर्फ 3% है, इसमें अंडरग्राउंड वाटर भी इंक्लूड है, तो ये सारा पानी सिर्फ 3% है। और पानी आप जानते हैं कि सब सबके लिए कितना जरूरी है, हम बिना पानी के हम जिंदगी की संभावना ही नहीं है। बोलते हैं ना कि जीवन के लिए 3 चीज़ जरूरी है कि पानी, हवा और खाना, तो इसी तरह हम पानी के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते, इसीलिए तो हमारी धरती पर जीवन है। तो इस तरीके से बच्चों एक हाइड्रोसाइकल होती है, यानी हमारा जो धरती का पानी है वो क्या है कि पानी 3 फॉर्म में पाया जाता है। पहले तो हम ये समझते हैं लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और गैस फॉर्म। तो पहले क्या होता है कि जो लिक्विड वाटर होता है बच्चों, वो एवापोरेट होता है, जितनी गर्मी पड़ती है उससे पानी एवापोरेट होता है और ऊपर जाकर वो सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाता है, बादल के रूप में या गैस में जमा हो जाता है, गैस के रूप में, और फिर वापस से वो जमीन पर आकर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोसाइकिल ये चलती ही रहती है। तो आगे का चैप्टर जिसमें एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर और इकोसिस्टम ये सब आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको ये चैप्टर अपनी बुक में से अच्छे से पढ़ना है। चलिए, थैंक यू।